बिहार में आज दूसरे चरण का चुनाव जारी है। भागलपुर, कृष्णगंज, कटिहार, बांका और पूर्णिया में वोटिंग चल रही है, तो वहीं पीएम मोदी भी आज बिहार के अररिया और मुंगेर में चुनावी जनसभा करेंगे। पीएम मोदी के दौरे के शुरू होने से पहले ही बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का तंज भरा ट्वीट सामने आया है। तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी फिर से नकारात्मक बातें और जुमलों की बारिश करने बिहार आ रहे हैं और मुझे ये पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता उनसे अपने सवालों के जवाब लेगी। तेजस्वी ने ट्वीट में पीएम मोदी से कुछ सवाल पूछे जो उनके मुताबिक पूरी बिहार की जनता उनसे पूछना चाहती है। तेजस्वी ने पूछा कि मोदी जी, आप बिहार वासियों से वोट बिहार में किस कार्य, डिलीवरी और उपलब्धि पर मांग रहे हैं। तेजस्वी ने यह भी पूछा कि मोदी जी, आप बिहार आकर नौकरी, रोजगार, छात्र नौजवान, कृषि पलायन, किसान मजदूर, गांव गरीब, शिक्षा, चिकित्सा व स्कूल और अस्पतालों की क्यों बात नहीं करते। फिर तेजस्वी ने तीसरा सवाल करते हुए लिखा कि बिहार ने आपको 2014 में 40 में से 32 और 2014 में 40 में से 39 लोकसभा सांसद दिए, लेकिन आप बिहार वासियों को ये बताइए कि आपने पिछले 10 सालों में क्या किया है। बिहार जानना चाहती है कि तुलना में गुजरात छोटा प्रदेश होने और वहाँ कम संसदीय सीटें होने के बावजूद विगत 10 सालों में आपने कितनी फैक्ट्रियाँ लगवाई, गुजरात में कितने स्टेडियम बनवाए, गुजरात में कितने नए शहर बसाए, गुजरात में कुल कितने लाख करोड़ का निवेश लाए, गुजरात के कितने उद्योगपतियों का लाखों करोड़ों का कर्ज माफ किया। प्रधानमंत्री जी, देश के सबसे अधिक युवा आबादी वाले प्रदेश बिहार आकर भी आप युवाओं के मुद्दे और समाधान जैसे उद्योग, विकास, निवेश, रोजगार और नौकरी की बात नहीं करते, तो फिर किस चीज़ के लिए आप बिहार की जनता से वोट मांगने आते हैं। बिहार आकर ही आप सबसे अधिक नकारात्मक बातें क्यों करते हैं। जब 15 सालों से बीजेपी बिहार की सरकार में बड़ी सहयोगी दल के रूप में है, मोदी जी आपकी सरकार, आपकी पार्टी, आपके नेता व प्रत्याशी संविधान और लोकतंत्र को समाप्त क्यों करना चाहते हैं। ये दलित वंचितों और गरीबों का आरक्षण व नौकरी क्यों छीनना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ 7 सवाल तेजस्वी ने पीएम मोदी से बिहार पर किए हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी का 22 दिनों में ये बिहार का चौथा दौरा है। इससे पहले पीएम मोदी 10 सीटों पर चुनाव प्रचार कर चुके हैं। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान लालू की पार्टी निशाने पर रहती है, जंगल राज, करप्शन और लालू को हर जगह घेरते हुए दिखाई देते हैं।